हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू तरह से क्लास आज आपके लिए लेकर आए हूँ क्लास टेंथ विदाउट फीट का चैप्टर नंबर नाइन भोली के कुछ बड़े इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और ये पार्ट टू है और पार्ट वन ऑलरेडी आपको दिया जा चुका है और बच्चों इतना कहना चाहूंगा अगर अभी तक आपने मेरे चैनल की प्ले को विजिट नहीं किया तो जरूर कीजिएगा वहां पर आपको क्लास टेंथ की एस की भी कम्प्लीट वीडियो मिल जाएंगी जिसमें एमसीक्यूज भी हैं और कुछ दूसरे क्वेश्चन भी हैं तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू जो कि पार्ट टू का पहला क्वेश्चन है वट वॉज बोलीज एज वेन हर सिस्टर मंगला गोट मैरिड यानी जब मंगला की शादी हो जाती है जो सेकंड नंबर पे आप कह सकते हैं उसे तो बोली की ये जिस टाइम क्या थी तो यहाँ ऑप्शन आपके सामने हैं सिक्स इयर्स ओल्ड सेवन इयर्स ओल्ड या फिर एट इयर्स ओल्ड या नाइन इयर्स ओल्ड तो हम कहेंगे बोली की उस टाइम जो एज थी वो थी ऑप्शन बी सेवन ईयर्स ओल्ड अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी के लिए तो यहां देखिए हु केम टू परफॉर्म द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ स्कूल दैट वॉज ओपन इन देयर विलेज यानी उनकी जो ओपनिंग सेरेमनी हुई प्राइमरी स्कूल की वहां पर उस ओपनिंग सेरेमनी में कौन आया था एज अ चीफ कैसा बोल सकते हैं तो ऑप्शन आपके सामने है कलेक्टर आ, मिनिस्टर या फिर तहसीलदार साहेब तो बच्चों यहां पर राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री का ऑप्शन सी तहसीलदार साहिब जो है वहां पर आते हैं एज अ चीफ गेस्ट आप उन्हें बोल सकते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर है विच न्यू स्कूल वॉज ओपन इन दियर विलेज उनके विलेज में कौन सा नया स्कूल खुला था तो ऑप्शन आपके सामने है अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स या फिर कहीं अ सेकेंडरी स्कूल फॉर गर्ल्स और ए प्राइमरी स्कूल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स तो तीन ऑप्शन आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर आपको देना है बच्चों यहां पर और यहाँ पर राइट right आंसर है ऑप्शन ए ए प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स यानी जो है खुला था उनके विलेज में अब चलते हैं क्वेश्चन ट्वेंटी फाइव के लिए होम डज रामलाल रिप्रेजेंट इन द विलेज अकॉर्डिंग टू तहसीलदार साहब तहसीलदार साहब कहते हैं कि रामलाल तुम इस विलेज में रिप्रेजेंट करते हो किसको करते हो ऑप्शन आपके सामने है एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन विलेज या फिर कहीं एज अ नंबरदार आ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द विलेज तो दो ही ऑप्शन आपके सामने हैं और यहां बच्चों करेक्ट आंसर क्या है तो ऑफ कोर्स यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन ए ना कि हम कहेंगे कि एज अ नंबरदार वो यहां पर कोई पोस्ट नहीं बनती रिप्रेजेंटेटिव होता है विलेज एक रेवेन्यू ऑफिशियल होता है जो नंबरदार होता है और रिप्रेजेंटेटिव है गवर्नमेंट का विलेज में तो ऑप्शन ए सर राइट आंसर अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स के लिए वट वॉज रामलाल्स वाइफ ओपिनियन अबाउट सेंडिंग देयर डॉटर्स टू स्कूल रामलाल की वाइफ का जो है क्या ओपिनियन था अपनी बेटियों को स्कूल भेजने के बारे में तो कहती है देन हु वुड मैरी देम यानी उनकी शादी उनके साथ कौन करेगा या फिर वो कहती है देन दे वुड बिकम इंडिपेंडेंट या वो फिर ये मानती है कि लड़कियां इंडिपेंडेंट हो जाएंगी तो दोनों में से करेक्ट आंसर बच्चों क्या है जो रामलाल की वाइफ की सोच है वो कहती है कि अगर लड़कियां स्कूल जाएंगी तो उनके साथ शादी कौन करेगा तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर यहां पर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है हाउ कु रामलाल सेट एन एग्जाम्पल फॉर द विजर्स रामलाल ने गांव वालों के लिए एक एग्जाम्पल कैसे सेट किया बाई सेंडिंग हिज डॉटर टू दिटी स्कूल या फिर कहें बायिंग टू दिलेज स्कूल तो दो ही ऑप्शन है और एक यहां पर राइट right आंसर है तो जो एग्जाम्पल सेट किया गया रामलाल के द्वारा वो क्या था बाय सेंडिंग हिज डॉटर टू द विज स्कूल ऑप्शन बी इसका राइट आंसर अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट के लिए अकॉर्डिंग टू सुलेखास मदर यानी बोली की मदर के अनुसार वाई वॉज दियर ए लिटिल चांस फॉर हर टू गेट मैरी क्या रीजन था कि उसकी शादी के चांस बहुत कम थे तो यहाँ ऑप्शन हैं एज शी हैड एन अगली फेस फेस अच्छा नहीं था शी लैक सेंस एक अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं थी इलिटेट भी थी या फिर कहीं कि बोथ ही एंड बी दोनों यहाँ एक्सेप्टेड हैं तो बच्चों यहाँ अकॉर्डिंग टू द स्टोरी हम कहेंगे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर वो कहते हैं कि सुलेखा का फेस अच्छा नहीं है अगली फेस है और सेंस भी नहीं है तो ऑप्शन ए एंड बी यहां पर एक्सेप्टेड है अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन के लिए द नेक्स्ट डे वेन रामलाल टोल्ड बोली दैट ही वुड टेक हर टू स्कूल वाई डिड शी गेट फ्राइटेंड जब नेक्स्ट डे उसके पापा ने बोला कि मैं तुम्हें स्कूल ले जाऊंगा तो वो क्यों डर जाती है शी वॉन्टेड टू प्ले विद हर सिस्टर्स इन द हाउस या फिर कहें शी वॉन्टेड टू एंजॉय हर फ्रीडम या फिर कहें शी न्यू नथिंग अबाउट द स्कूल तो बच्चों यहां पर जो एग्जैक्ट रीजन है उसके डरने का वो क्या था कि उसे स्कूल के बारे में कुछ पता ही नहीं था शी न्यू नथिंग अबाउट द स्कूल तो ये वो रीजन था जिसकी वजह से वो डर जाती है अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर के लिए द नेम ऑफ देयर काओ उनकी गाय का नाम क्या था गौ माता या लक्ष्मी या इंदु या सरस्वती तो उनकी जो काओ का नाम था वो था लक्ष्मी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी वन के लिए वाई वर न्यू क्लोथ नोट मेड फॉर बोली नए कपड़े जो है बोली के लिए क्यों नहीं बनाए गए थे तो ऑप्शन आपके सामने शी वॉज वेरी अर्गली या फिर कहीं शी वॉज डिस कहीं द ओल्ड ड्रेसेज ऑफ अर सिस्टर्स पास ऑन टू हर तो यहाँ पर जो एग्जैक्ट रीजन है बच्चों वो ये है कि उसके लिए नए कपड़ों की इसलिए जरूरत तो नहीं पड़ती थी क्योंकि जो उसकी जो, जो बहनों की ओल्ड ड्रेसेज थी यानी ऑप्शन सी इस द राइट आंसर वो उसको दे दिए जाते थे इसकी वजह से नए कपड़े उसे नहीं मिलते थे आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी टू के लिए साफ सुथरी ड्रेस जो है उसको उसको दी गई जो उसको स्कूल भेजने से पहले तो ऑप्शन आपके सामने है, उसकी सिस्टर राधा की ड्रेस जो कि छोटी हो गई थी थोड़ी सी काफी वॉशिंग के बाद और उसको फिट नहीं आ रही थी या उसकी जो सिस्टर है चंपा की ड्रेस और या फिर यहाँ कहें उसकी जो सिस्टर है मंगला की ड्रेस तो तीन ऑप्शन आपके सामने है, और एक आंसर आपको देना है यहाँ पर बच्चों तो बच्चों हम यहां कहेंगे जो करेक्ट आंसर है वो है उसकी सिस्टर चंपा की ड्रेस जो है उसे दी गई थी जो थोड़ी छोटी हो गई थी काफी वॉशिंग के बाद और जो उसको काफी फिट नहीं आ रही थी तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री के लिए व्हाट मेड बोली बिलीव दैट शी वाज टेकन टू ए प्लेस विच वॉज बेटर देन होम यानी क्या चीज ऐसी है हम कहेंगे कि बोली को बिलीव हो गया कि वो जिस जगह पे गई है वो उसके घर से बेटर है तो ऑप्शन आपके सामने है शिवॉस जब उसको नए कपड़े दिए गए या फिर कहीं शी शिवस बेथ उसको नहलाया गया या फिर कहीं व्हेन ऑयल वॉस रब्ड ऑन टू इन टू हर ड्राई एंड मेटेड हेयर यानी उसके बालों में तेल लगाया गया सूखे बालों में तो ये उसको लगा या फिर कहें कि सारे ही ऑप्शन यहाँ करेक्ट हैं तो ऑफ कोर्स बच्चों यहां पर हम कहेंगे कि सभी ऑप्शंस राइट right हैं क्योंकि इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम उसको स्कूल भेजने से पहले कपड़े भी साफ दिए गए उसको नहलाया भी गया उसके बालों में जो है तेल लगाया गया तो उसे अच्छा लगा बहुत तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन थर्टी फोर होम डिड रामलाल हैंड ओवर बोली इन द स्कूल अब रामलाल ने बोली को किसको हैंड ओवर किया स्कूल में द क्लास टीचर द हेड मिस्ट्रेस तो अफकोर्स बच्चों यहाँ राइट आंसर है हेड मिस्ट्रेस को जो है उसने हैंड ओवर किया था क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम अगर किसी बच्चे को देते हैं तो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है नो डाउट टीचर्स भी होते हैं लेकिन हेडमिस्ट्रेस से इंट्रोड्यूस करवाया गया था अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव के लिए वे डिड हेड मिस्ट्रेस आस्क बोली टू सिट सिड मिस्ट्रेस ने उसे बोला कि तुम बैठ जाओ कहां पर इन द फर्स्ट रो या फिर इन द कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लास रूम्स या फिर कहीं इन द लास्ट रो तो हम कह सकते हैं जब हेडमिस्टर्स में भी उसको लेकर गई होगी जिस क्लास में तो उसे कहा गया बोली को कि तुम कहाँ बैठो इन द कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लास रूम्स यानी तुम एक कॉर्नर पे बैठ जाओ ऑप्शन बी इज द राइट आंसर जो है यहाँ पर आप चलते हैं क्वेश्चन थर्टी सिक्स के लिए विद होम डज बोली रिजेंबल द पिक्चर ऑफ द हॉर्स ऑन द वॉल जो उसने क्लासरूम की दीवारों पर हॉर्स की पिक्चर देखी वो उसे किससे रिजेंबल करती है मिलता जुलता पाती है जो हॉर्स जो ब्लैक कलर का था दैट शी हैड सीन इन द विलेज या फिर कहीं द हॉर्स ऑफ ब्लैक कलर ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू देयर विलेज या द हॉर्स ऑफ ब्राउन कलर ऑन विच और यहाँ जो थर्ड ऑप्शन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि वहां कलर जो है ब्राउन बताया गया है तो यहां आपको क्या लगता है राइट right आंसर होगा तो ऑफ कोर्स बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है द हॉर्स ऑफ ब्राउन कलर ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू देयर विलेज तो वो उसको इसी से रिजेंबल करती है मिलता जुलता पाती है अब चलते हैं बच्चों हम क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन के लिए आ, यहां पर देखिए क्या है वट वॉज द कलर ऑफ द गोट इन द पिक्चर यानी उस बकरी का कलर बताना तो है तो ऑप्शन है इट वॉज ऑफ व्हाइट कलर इट वॉज अ ब्लैक कलर या फिर कहीं इट वॉज अ ब्राउन कलर और ऑरेंज कलर तो जो पिक्चर में जो गोट है और ये वो गोट है जो उसने देखी थी तो हम कहेंगे कि वो ब्लैक कलर की थी ऑप्शन बी जो है यहां पर राइट right आंसर है अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी एट के लिए वेयर हैड बोली सीन द रियल पैरट इन हर विलेज बोली ने आ, अपने गांव में रियल पैरट कहां पर देखा था तो ऑप्शन आपके सामने है इन द एप्पल ऑर्चर्स इन द गुआवा ऑर्चर्ड्स और इन द मैंगो ऑर्चर्ड्स तो बच्चों यहां पर राइट right आंसर क्या होना चाहिए यह करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इन द मैंगो ऑर्चर्ड्स जहां पर बोली ने आ, देखा था पैरट्स को अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी uh, नाइन के लिए वट हैपन वेन द बेल रैंग जब बेल होती है तो क्या होता है सभी के सभी गर्ल्स जो हैं वो फटाफट निकल जाती हैं क्लासरूम से इंक्लूडिंग uh, बोली या कहीं बोली डियर नॉट लीव हर कॉर्नर या फिर कहें बोली ऑन सॉबिंग और यहां पर डी ऑप्शन ये भी है कि बोली जो यानी बी और सी दोनों ही एक्सेप्टेड होंगे यहाँ पर तो बच्चों यहाँ ऑफकोर्स राइट आंसर है ऑप्शन डी जिसमें दोनों ही आंसर एक्सेप्टेड है कि बोली जो है उसने अपनी कॉर्नर को नहीं छोड़ा और वो थोड़ा सा रोती भी रही तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर अब चलते हैं क्वेश्चन के लिए स्टेटमेंट इज टू अबाउट द द बुक टीचर हैड गिवन टू बोली तो कौन सी स्टेटमेंट उस बुक के बारे में सही है जो टीचर ने उसे दी थी इट वॉज पिक्चर्स और द पिक्चर्स वर इन कलर्स और कहीं विद एवरी पिक्चर वॉज ए वर्ड इन ब्लैक लेटर्स या फिर कहीं सारे के सारे ऑप्शन ही यहां पर करेक्ट हैं तो बच्चों हम कहेंगे कि सभी के सभी ऑप्शंस करेक्ट हैं जो पिक्चर दी गई थी वो फुल ऑफ पिक्चर्स थी कलरफुल थी इसमें और साथ में कुछ ब्लैक लेटर्स में लिखा भी हुआ था तो ऑप्शन डी इस द राइट आंसर क्वेश्चन फोर्टी वन है अकॉर्डिंग टू द टीचर हाउ मच टाइम वुड बोली टेक टू रीड द फर्स्ट बुक टीचर को क्या लगता था कि बोली को कितना वक्त लगेगा फर्स्ट बुक को रीड करने में जस्ट टू मंथ्स थ्री मंथ्स अ मंथ या फिर फोर मंथ्स तो बच्चों यहां पर राइट right आंसर है बोली को सिर्फ एक महीना लगता अकॉर्डिंग टू द टीचर अ मंथ यानी सिर्फ एक महीने का टाइम लगेगा इस पूरी उसको पढ़ने में क्वेश्चन फोर्टी टू है टीचर्स वर्ड्स हैव ऑन बोली विद स्टेटमेंट इज टू अबाउट या फिर आउट ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है तो हर हार्ट वॉज थ्रोविंग न्यू होप एंड न्यू लाइफ बोली सडनली फेल्ट एज इफ ऑल द बेल्स इन द दिल्ली टेम्पल्स रिंगिंग या फिर कहें कि शी फेल्ट द ट्रीज इन द फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस had blossomed टू बिग रेड flowers या फिर कहें कि जो आ, सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट हैं एक्चुअल में ये वर्ड्स इसलिए यूज़ किए गए हैं कि कोई टीचर ने उसको बड़े प्यार से बात की और उसको आ, बड़े अच्छे से हैंडल किया तो जो भी बातें कही गई हैं सारी की सारी पॉजिटिव हैं बोली में एक नई होप नई उम्मीद आ चुकी थी उसको लगा जैसे टेंपल की बेल्स रिंग कर रही हैं और साथ में सब कुछ एक रेड फ्लावर्स uh, की तरह खिल चुका है तो यहाँ पर बच्चों जो राइट right आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज सभी के सभी ऑप्शंस करेक्ट हैं तो बच्चों इन्हीं क्वेश्चंस के साथ इस वीडियो को यहाँ स्टॉप करूंगा बट फॉर द नेक्स्ट पार्ट यू विल हैव टू वेट फॉर अ फ्यू मोमेंट्स एंड कीप ऑन वॉचिंग तरह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा